आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, बेसिक टू एडवांस वाले इस कोर्स में हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को, वो है सिलेक्शन मेथड। ओके, सिलेक्शन मेथड इट मींस कि हाउ कैन सिलेक्ट योर डेटा। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपका टाइम सेव करता है। आप अपने ऑफिस में अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे कि अगर आप पिवट लगाते हैं, जैसे कि आप फिल्टर लगाते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, चार्ट बनाते हैं, सबको करने के लिए डेटा को सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। क्या आप बिना डेटा को सिलेक्ट किए कुछ कर सकते हैं? नहीं सर। सो डेटा सिलेक्शन इज द इम्पोर्टेंट। तो चलिए उसी चीज के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आज थोड़ी सी छोटी टॉपिक है बट अच्छी टॉपिक है। तो जैसे कि हम सिलेक्ट डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट करने के लिए दो तीन चीज यूज करते हैं। जैसे माउस पे क्लिक करती हूँ नीचे की तरफ आ जाते हैं, या फिर मैं कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ एरो की यूज करता हूँ और हमारा सिलेक्शन शुरू हो जाता है। जहां सिलेक्शन शुरू होता है इस तरह से हाईलाइट हो जाता है, इसमें से किसने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको कॉपी करूं, जो भी करूं वो सिलेक्टेड एरिया के ऊपर इफेक्टिव होगा। लेकिन सबसे अच्छा सिलेक्शन मेरा फेवरेट क्या है कि हमने माउस से सिलेक्ट करने के बजाय हम या शिफ्ट से सिलेक्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं कि फर्स्ट सेल पे A1 पे कर्सर को रखते हैं, शिफ्ट को प्रेस करते हैं और सबसे लास्ट में क्लिक करते हैं। इसलिए मैं आपको पहले दिन ये बता रहा हूं क्योंकि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। हमने पहले वो क्लिक किया, शिफ्ट को प्रेस किया और नीचे क्लिक कर लिया, ऊपर सारा डेटा आपका सिलेक्ट हो गया। ये एक अच्छी चीज है सिलेक्ट करने। दूसरा, हम कंट्रोल ए भी करते हैं। कंट्रोल ए के मतलब सिलेक्ट ऑल नहीं है, ध्यान रखिएगा। किसी ने पूछ दिया कि भाई सिलेक्ट ऑल के क्या ऑप्शन है, दबाइए कंट्रोल ए। नहीं नहीं, कंट्रोल ए सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं। तो क्या है, करेंट रीजन या यूज सेल आप कह सकते हैं। यहाँ आप फाइनल सिलेक्ट में गो टू स्पेशल में जाएंगे तो ये आपका करेंट रीजन होता है। ए कंट्रोल ए को ट्रिगर करता है। ओके, लेकिन कंट्रोल ए करते हैं तो क्या होगा, मेरी वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? किसी की तरह दिक्कत तो नहीं हो रही वॉइस में? नहीं सर। नहीं सर। ओके भूपेंद्र जी, आपके एंड से प्रॉब्लम है, आपके लग रहा है इंटरनेट में प्रॉब्लम है। मेरे एंड से प्रॉब्लम होती तो सबको होती। तो अब जैसे कि कंट्रोल ए आप करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम से पहले जान लीजिए कि मुझे अगर पूरी सीट सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए वन टाइम करेंगे तो आपका यूज सेल या कंट्रोल ऑल कर सकते हैं, वो सिलेक्ट होता है। मैं टू टाइम्स करता हूं तो पूरी की पूरी शीट कॉपी शीट सिलेक्ट हो जाती है। सीट को सिलेक्ट करने के लिए एक और तरीका है, वन और ए के बीच में आप इस पे क्लिक करेंगे तो सीट सिलेक्ट हो जाए। अब कंट्रोल ए करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक नहीं दो प्रॉब्लम। पहले की मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ फालतू डेटा रख रखा हूँ तो अब कंट्रोल ए करूंगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाए। लेकिन अगर मैंने एक को डिलीट कर दिया तब क्या होगा सर? ये इस ए को सिलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ए ऐसे ही इसको पूरी की पूरी कॉलम ब्लैंक मिलेगा, उससे आगे की सिलेक्शन नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके डेटा में अगर ब्लैंक कॉलम मिल गया, आप कंट्रोल ए करते हैं तो इतना ही एरिया सिलेक्ट होगा। ब्लैंक रो जो कि अधिकतर डेटा में कभी कभी मिल जाता है, आपने इसको ब्लैंक रो है तो ए सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपका सिर्फ ऊपर का डेटा सिलेक्ट होगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट होगा। क्योंकि आप जब फिल्टर लगाते हैं, अगर आप पिवट लगाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग मुझे कोई कॉल करके कहते हैं कि सर मैंने पिवट लगाया है लेकिन पिवट में मेरा कम वैल्यू आ रहा है जबकि डेटा में ज्यादा है, या फिल्टर में नीचे ऑप्शंस नहीं आते। रीजन ये
जब हम फिल्टर लगाते हैं या पिवट लगाते हैं तो कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम से आगे या ऊपर की तरफ ले लेता है, नीचे नहीं लेता है। समझ गया जी? तो इसके लिए आप, हाँ, ब्लैंक कब भी ब्लैंक होना चाहिए। अगर बीच में कोई एक जगह पे नंबर है तो फिर एक कंट्रोल है। इसमें चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर ये कंट्रोल ए का ड्रॉबैक है बड़ा सा, बट अगर हम ए वन और स्टार्टिंग पॉइंट और शिफ्ट दबा के लास्ट पॉइंट को लेते हैं तो पूरा का पूरा ब्लैंक भी आ जाएगा। या हर एक आ जाएगा, इसके बीच में जो भी होगा वो सब आ जाएगा। ठीक है? ओके। अब बात करते हैं कर्सर मूवमेंट की। जैसे मुझे सबसे लास्ट में आना है, अभी क्या है छोटा डेटा है ना, अगर आपका डेटा बड़ा होता इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब मान लीजिए मुझे सबसे लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को यूज करें। आगे नीचे या लेफ्ट अप या राइट, तो कर्सर को सिक्वेंसली ये मूव करता है। लेकिन इसका भी एक प्रॉब्लम है कि बीच में अगर कहीं ब्लैंक इसको मिल गया तो वो वहीं पे रुक जाएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। फिर आपको वापस दो बार दबाएं फिर नीचे जाएगा। एक दो है तो फिर चल जाता है, लेकिन कई सारे हुए तो जैसे कि यहां पे बात कर रहा हूं। कई सारे हुए तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना सर, कई बार नीचे आना पड़ेगा। आपका मान ले 10,000 12,000 या 15,000 का है तो ठीक है। तो उसमें जो प्रॉब्लम होगी उसकी, उसका क्या सलूशन है? यहां जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें कोई एड्रेस टाइप करता हूं, 65,000 टाइप करके एंटर मार, एक लंबा सा ए 65,000 एक लंबा सा एक फिगर डाल दीजिए इसके। अंदाजन जहां तक आपका डेटा ना हो, आपको लगता है कि हाँ इतना डेटा नहीं होगा, उस हिसाब से ठीक है। अब कर्सर वहीं पे मूव हो जाएगा। अब यहां से कंट्रोल और अप एरो की प्रेस कर दीजिए। सबसे लास्ट में आ गया, इससे ऊपर जो ब्लैंक है इसे कोई लेना देना इसको नहीं। समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। ओके। अब हम बात करते हैं क्या हम सिलेक्शन कुछ हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कर्सर है जा रहा है तो हम चाहते हैं कि इसकी कर्सर गया तो इसकी सिलेक्शन भी चला जाए। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम जो है राइट एरो को ने लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे, डाउन एरो को प्रेस करेंगे कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा बीच में ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ब्लैंक है तो सिलेक्शन नहीं होगा। बट याद रखिए कंट्रोल ए करते समय कोई एक छोटा एक ब्लैंक जो है कोई मैटर नहीं होता है, ब्लैंक होता है पूरा का पूरा रो तब मैटर करता है। क्लियर है इसमें आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? संजय जी कोई डाउट इसमें? चलिए आपको समझ में आ गया, मतलब सबको समझ में आ जाएगा। बट हम लोग यूज करते थे सर शिफ्ट कंट्रोल एंड होम एंड शिफ्ट कंट्रोल एंड एंड, वो भी पूरा सेलेक्ट करता है। आपने बोला इसमें शिफ्ट कंट्रोल आपने एंड कर दिया तो इसमें प्रॉब्लम होता है, दिखा आपको सर प्रॉब्लम? हाँ थोड़ा सा आगे भी आ गया। इसलिए क्योंकि यूज सेल, मतलब कि इसका काम क्या है कि जितना भी सेल यूज है चाहे उस पर डेटा हो या ना हो
आपने अगर उसको यूज किया है तो उस सिलेक्शन में आ जाए, समझे? यस। दूसरा अगर कंट्रोल एंड करता हूं सिर्फ, तो मेरा कर्सर यहां नहीं आता है, यहां वहीं पे जाएगा। तो इसमें आपकी प्रॉब्लम होती है। सर क्या है सर, हम जो इसे यूज करते हैं ना तो हर एंगल को देख लेते हैं, समझे? यस। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट दीजिएगा सर, एक मिनट। तो कंट्रोल्स के साथ हम सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो सही होता है, होम में यूज सेल भी आ जाता है, इसलिए हम वो आपको रिकमेंड नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई भी चीज यूज करता हूँ तो उसको हर एंगल से देख लेता हूँ, देन जो बेटर होता है उसी को यूज करता हूँ, ताकि हमें दिक्कत ना हो आगे काम करने। इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है और नेक्स्ट ऑप्शन ये है मल्टीपल सेल सिलेक्शन, कि हम मल्टीपल सेल्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे। हाँ, इसको भी देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। मल्टीपल सेल्स का मतलब ये हुआ कि हमें इसमें से कुछ कुछ डेटा को उठाना है या कुछ करना है, तो अगर आपको कॉपी के अलावा कुछ भी करना है तो आप कंट्रोल प्लेस करके जहां जहां जो करना है उस जगह पे क्लिक कर दीजिए, उतना एरिया आपका सिलेक्टेड हो जाए, इस पे कॉपी या कुछ और कर सकते हैं। कॉपी नहीं होगा, कॉपी के अलावा और सब कुछ होगा, इसमें फॉर्मेटिंग होगा, बाकी सब कुछ होगा, बट कॉपी नहीं। कॉपी करने का रूल यह है कि जैसे मैंने ऊपर जो है एबीसी को सिलेक्ट किया तो नीचे भी हमारा एबीसी सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नीचे सिर्फ ए सिलेक्ट कर लिया 44, अब मैं इसको कॉपी नहीं, नीचे अगर मैंने नीचे कंट्रोल करके एबीसी तीनों सिलेक्ट कर दिया तो ये हमारा कॉपी हो गया। क्या 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 होता है कि जैसे हमने मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, एक फालतू का सेल सिलेक्ट हो गया, अब इसको डी सिलेक्ट करना है, उस पर एक बार और क्लिक कर दीजिए और डी सिलेक्ट हो जाए, मतलब कि आपने वन टाइम सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट, सेकेंड टाइम अगर कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया तो डी सिलेक्ट, अब कॉपी होगा और जहां मर्जी वहां पेस्ट कर सकते हो। उसी तरह से आपका सेम जैसे कि मान लीजिए कि कॉलम में ले रहे हैं, इसी तरह से आपको लेना है, या फिर जरूरी नहीं कि सिक्वेंस, तब यहाँ भी सेम ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ले लिया ए तो यहाँ पे इसको लिया, सॉरी मान गलत हो गया, इसको 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 लिया, हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, अब इसको कॉपी किया जाए क्योंकि सेम सीक्वेंस में, अच्छा सेम कॉलम और रो होना चाहिए। जी जैसे कि अगर मैं रो वाइज, अगर रो में अगर दो कॉलम सिलेक्ट है तो हर जितने भी रो है सब में दो कॉलम ही सिलेक्ट होने चाहिए, अगर या फिर एक कॉलम में अगर चार सिलेक्शन किया है तो हर कॉलम में चार सिलेक्शन ही होना, चार रो ही सिलेक्ट होना चाहिए और उसी सीक में, मतलब उसी रो में, जैसे अगर इस 11 है तो आगे भी 11 ही सिलेक्ट होगा, कोई और सिलेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हमने क्या किया कि 2 3 4 4 सिलेक्ट हो गया, नहीं, इसको नहीं करेगा, इसको हटाना है तो आप बस इस पे क्लिक करते चले जाइए, ये हटता चला जाएगा, कॉपी कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हमने डेटा सिलेक्ट किया, मुझे इसमें से बस जो है एफ कॉलम को नहीं सिलेक्ट करना है, मतलब इसको कॉपी करके मुझे कहीं पे पेस्ट करना है बट एफ कॉलम को इग्नोर करना है, तो जनरली आप लोग एफ कॉलम हो गया या फिर जे कॉलम हो गया, एक या एक से ज्यादा कॉलम को मुझे सिलेक्ट नहीं करना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं पेस्ट फिर जाकर वहां डिलीट करते हैं। मैं कहता हूं कॉपी ना करें क्योंकि डिलीट करने पर आगे का डेटा और बहुत सारी चीज जो है ये मूव होता है उससे दिक्कत होती है, या बहुत बड़ा डेटा है तो थोड़ा स्लो भी वर्क करता है, तो कंट्रोल के साथ हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सर
कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर दीजिए, ये भी हट जाएगा। अब इसको कॉपी किया और जहां पेस्ट करना है वहां पेस्ट करो, लेकिन जहां पेस्ट करेंगे ना वहां सिक्वेंस में आएगा, ऐसा नहीं कि वहां इस तरह से गैप में आएगा। ये हमारा मल्टी सेल सिलेक्शन था। मल्टी सेल सिलेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ये तो सीक्वेंस है, मल्टी सेल सेलेक्शन इन सीक्वेंस, बट एट रैंडम अगर करना है तो फिर फॉर द कॉपी, कॉपी के अलावा कोई और चीज करनी है तो सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। ओके, इज क्लियर? गांधी जी? यस सर, यस सर। चलिए अब बात हम करते हैं डायनेमिक सिलेक्शन की। अब डायनेमिक सिलेक्शन क्या होता है? अब इसमें जहां जहां ब्लैंक है ना सबको सिलेक्ट करना है फॉर द हाईलाइट या वैल्यू फिल करना है। अब ये समझिए कि जहां जहां ब्लैंक है उस सारे जगह पे उसे बीएल टाइप करो। तो कैसे करें? एक रूल है कि अगर आपने एक एरिया सिलेक्ट किया ये आपका सिलेक्शन, बट एक्टिव सेल क्या है? C6। मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया फॉर्मूला या नॉर्मल वैल्यू और नॉर्मल एंटर मार दिया तो फिर वो एंटर होके नीचे आ जाता है। लेकिन इसी में अगर हमने कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया तो जितना भी सिलेक्टेड है सब में कॉपी पेस्ट होना। समझ गए? अब यहाँ पे इसको क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं? लेकिन प्रॉब्लम है कि सिलेक्शन और कॉपी के सिलेक्ट कैसे करें ब्लैंक को, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है। छोटा डेटा इसमें 5-7 है, लेकिन जब आपका डेटा हजारों में होगा, लाखों में होगा, तो आपको हजारों में मिलेगा इस तरह के ब्लैंक्स। तो वन बाय वन सिलेक्ट करना तो पॉसिबल नहीं है, खासकर ऐसे लोगों के लिए क्योंकि हम लोग जो हार्ड वर्किंग नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्किंग करते हैं। ऐसे करें तो जहां पे हमें आपको करेंट रीजन समझाया था गो टू स्पेशल, यही सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वही आपका सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक, हमने ब्लैंक को सिलेक्ट करके ओके किया तो जितना एरिया ब्लैंक था वो सिलेक्ट होगा, बट ये चलता है यूज्ड सेल पे। ये बाकी सिलेक्शन और दिख रहा है ना सर, क्यों? क्योंकि हमने इसको यूज किया होगा। अगर ऐसा दिक्कत हो तो आपको सिंपल सा इसको कॉपी कीजिए, एक नई सीट पे पेस्ट कर। मैं इसको कंट्रोल जी से भी ला सकता हूं स्पेशल, और ये हमारा हो गया ब्लैंक एंड ओके। अब देखिए जो ब्लैंक था वही सिलेक्ट हुआ। यहाँ पे हम बीएल टाइप किए, और बीएल टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे नॉर्मल एंटर नहीं मारूंगा, क्या करूंगा? कंट्रोल एंटर एंटर। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। इसलिए मान लीजिए कहीं कहीं फॉर्मूला लगा हुआ है, मुझे फॉर्मूला को सिलेक्ट करना है सिर्फ। अब ये भी एक प्रॉब्लम होती है, कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा है पता नहीं चलता ना, जब तक उसमें कर्सर ना ले जाए या ऑपरेटिंग मोड में ले जाए। तो उस केस में कंट्रोल जी स्पेशल, और यहाँ पे देखिए आता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में भी दे सकते कि फॉर्मूला के रिजल्ट नंबर में, टेक्स्ट में, लॉजिक या एरर, कोई एक या सारा का सारा, यू कैन देन ओके। दो जगह फॉर्मूला लगा, दो जगह आपका हाईलाइट हो गया। अब इसको करें कॉपी तो नहीं कर सकते, बट इसमें जो करना है कर सकते, डिलीट हो गया या फिर कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हो गया वगैरह। समझ गए? एक गो टू स्पेशल में हम आगे जिक्र करेंगे आपके साथ, इसको और भी ट्राएंगे, लेकिन सिंपल है, सिलेक्शन करता है, सिलेक्ट करने के बाद जो करना कर सकते हैं। अब इसमें हम सिलेक्शन में बात करते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम और आती है। कभी कभी क्या होता है कि एरो की से सिलेक्ट करते हो, जैसे कि एरो की से आप सिलेक्ट करते हो तो इस तरह से सिलेक्ट हो तो ऊपर जाता है। आज दो बार में से रिलेटेड क्वेश्चन आया था सर, बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एरो की दबा रहा हूँ, मेरा कर्सर मूव नहीं कर रहा है, बट ऊपर नीचे हो रहा है, मेरा शीट मूव हो रहा है। तो आपने सेलेक्ट किया हुआ है B2 और एरो की नीचे दबा रहे हैं,
तो ऑब्वियसली वो शीट पूरी ऊपर ही जा रही है, नीचे आ जा रही है। सर नॉर्मली तो क्या होता है, देखिए नॉर्मली तो यहाँ पे बीच भी होना चाहिए था ना, एरो की होना चाहिए ना, लेकिन मैं अब इस तरह से आ रहा है। ये देखिए नीचे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लें कि यहाँ पे स्क्रॉल लॉक लिखा नहीं आया, कीबोर्ड में स्क्रॉल लॉक का आपका जो है एक्टिवेट तो नहीं है, समझ गए? लाइट ब्लिंक तो नहीं कर रहा है, लाइट ब्लिंक रहता है कीबोर्ड में। ये चीज मैंने इसलिए बताया कि आज दोपहर में सिलेक्टर किसी ने कॉल किया था हमारे ग्रुप से नंबर लेके, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर। दूसरा अगर मान लीजिए मुझे कई सारे शीट को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल करके जो जो शीट सिलेक्ट करना है उसको चूज कर सकते हो, फिर इसके ऊपर आप जो करना चाहे लीड इंसर्ट या फिर टैब कलर देना चाहे दे सकते। लेकिन मुझे सारे सीट सिलेक्ट करना है तो मैं पहले सीट को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट पे क्लिक करूंगा, तो मेरा क्या होगा कि सिर्फ वही सीट सिलेक्ट होगा, अनदर सीट सिलेक्ट नहीं होगा, समझ गए? यस सर। अब एक चीज और है, जैसे कि मैंने सारे शीट सिलेक्ट कर लिए और मैं यहाँ ए नहीं एम एम 26 पे 20,540 लिखा, एंटर प्रेस किया, अब आप देखेंगे हर शीट के एम कॉलम में सेम लोकेशन पे सेम वैल्यू टाइप की। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कब जब हम बनाएंगे क्रॉस वर्कशीट। फिलहाल मैंने आपको समझाया कि हाउ कैन सिलेक्ट योर डेटा, और जहां पे मुझे उम्मीद है आपको सेट आ गया होगा। पहले देखिए पहले सेशन में इसको बताने का इंपॉर्टेंस यही था कि आप लोग इसका यूज करें, क्योंकि आगे कुछ भी ऑप्शन करना है आपको सिलेक्शन को करना पड़ेगा, और ये सारे रिकॉर्ड जो मैंने बताया ये आपकी टाइम को सेव करता है, समझ गए? सो हर एक टॉपिक को आप कई बार प्रैक्टिस कर एक टॉपिक को मेमोराइज कर लो, डेटा हैंडलिंग पे आपके काम आता है। समझ गए?